नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत और आज हम इसी कड़ी में आए हैं मिस्टर दीपक गोराई से मिलने के लिए, जो हमारे बहुत ही पुराने LIC एजेंट हैं। और हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो LIC में कितने प्रकार के पॉलिसी हैं और इनके द्वारा क्या क्या सर्विस दिया जा रहा है। तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और LIC के बारे में कुछ खास बात करते हैं। नमस्कार दीपक जी सर, और हम अब तक न्यूज में आपका स्वागत करते हैं और मुझे बहुत प्रसन्न हो रही है आपसे मिलकर कि आप हमारे बहुत ही पुराने जो है इस एरिया में LIC का एजेंट हैं। ठीक है, तो पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं दीपक गोराई, मैं गांजा निवासी हूँ, गांजा का निवासी हूँ और ऊपर से मैंने 15 साल से हम LIC में एजेंसी कर रहे हैं। साथ में मेरा सहारा का भी था, मोटा मोटी 17-18 साल से सहारा भी चला रहे थे। अभी थोड़ा स्थिति खराब है सहारा का, वैसे ठीक है, सहारा में कोई मैंने खराबी नहीं है, पेमेंट मिल जाएगा, बकाया पेमेंट है, मिल जाएगा। तो अभी आप मुझे ये बताइए, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आम लोगों के लिए जो जीवन डेली कमाते हैं, खाते हैं और उसके साथ साथ 2 रुपया बचाने का भी कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या बेटर रहेगा? उनका जो धन है कहाँ सुरक्षित रहेगा, सहारा में या LIC में? LIC तो गवर्नमेंट कंपनी है और ऊपर से आपका इंश्योरेंस भी देता है, बीमा देता है उनका। और सहारा भी खराब नहीं, सहारा की वजह से अब आम आदमी भी पैसा जमा कर रहा है, नहीं तो वैसे मुश्किल है, कोई बैंक में जाकर उतना जमा करने नहीं सकता है। ऊपर से सेविंग अकाउंट में किसका पैसा रहता है, किसी के भी नहीं रहता है, तो इस हिसाब से सहारा भी ये नहीं है। अभी प्रॉब्लम है सहारा का, पेमेंट में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मतलब आगे दिन पेमेंट मिल जाएगा सहारा का। लेकिन अभी जो हम देखते हैं डेली, हम न्यूज में या फिजिकली भी अगर हम मार्केट विजिट करते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह सहारा के ऑफिस के पास जो है सहारा के कस्टमर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पैसा जिनका टाइम जो है पूर गया है, मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया है, उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। गरीब लोग जो आशा लगा के कि जो मैं बेटी का शादी करूंगा, कुछ अच्छे काम करेंगे, उनका पैसा का टाइम हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस सब को देखते हुए क्या लगता है आपको, अभी जो है उचित रहेगा जाना? नहीं, अभी तो खास करके अभी मैंने वहाँ से नया बिजनेस तो नहीं हो रहा, रिन्यूअल भी जमा नहीं हो रहा, अभी खाली ऑफिस स्टाफ का काम वाम हो रहा है। ऊपर से आदेश है कि मैंने पेमेंट कराने के लिए आदेश है, लेकिन अभी तो पेमेंट हुआ नहीं है, तो बहुत जल्द मैंने पेमेंट होने का मैंने संभावना है, इससे हम लोग को मैंने क्या लगता है कब तक पेमेंट जो है, ये सब जो चल रही है उनकी त्रुटियां जो है सहारा में जितनी भी त्रुटियां है कंप्लीट होगा या यूं ही चलता रहेगा, आम लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे? नहीं, मिलने का तो पूरा उम्मीद है सर, केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आगे दिन मैंने पेमेंट होने का मेरा 100% उम्मीद है। मेरा जो मुख्य सवाल ये है आपसे जानना, LIC का जो पॉलिसी है, ऐसे तो बहुत तरह के पॉलिसी हैं उनके, लेकिन आम लोगों के लिए जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम 2 रुपया सेविंग करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसमें से सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सा है? उसमें आपका एक तो पॉलिसी आया है जीवन लक्ष्य बोल के पॉलिसी आता है, जिसमें आपका मैंने 3 टाइम्स ही मैंने बीमा मिलता है उसमें। हाँ, तो उस हिसाब से वाला पॉलिसी मैंने कम सबमिश्योर का भी है, 1 लाख का लगभग 1 लाख में आ जाएगा, ऊपर से उसमें आपका 3 गुना मैंने इसमें ये मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। 3 टाइम्स मतलब आपका जब उसमें मान लीजिए कोई पार्टी डेथ कर गया तो उस समय आपका बीमा राशि मिलेगा, एक्सीडेंटल में होगा तो 2 गुना मिलेगा, प्लस उसको आपको मैंने नेक्स्ट ईयर से उसको पेंशन लागू कर देगा 10% करके, सब मेच्योरिटी 10%, फिर मेरा ये मिलेगा मेच्योरिटी पे भी ये पैसा मिलेगा उसको। तो अभी आप अपने एरिया के अलावा और कौन कौन सा एरिया कवर करते हैं जहाँ पे आप अपना सर्विस दे रहे हैं LIC का? मेरा हर तरफ, चांडिल तरफ भी है, सरायकेला तरफ भी है, चाईबासा तरफ भी है, इधर सांची बिष्टुपुर मानगो हर तरफ हम जाते हैं। चाईबासा भी जाते हैं? जी जी। चाईबासा में भी कितने कस्टमर हैं आपके? यहाँ फिलहाल ज़्यादा नहीं है, 8-10 कस्टमर होगा। तो मुझे ये बताइए और कौन कौन सा आप यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर? यहाँ पर हम मनी ट्रांसफर काम करते हैं और LIC के प्रीमियम जमा करते हैं यहाँ पर, ऊपर से सहारा का फिलहाल तो अभी बांध रुका हुआ है काम, सहारा का नहीं हो रहा है, तो अभी करते थे सहारा, हम मोटा मोटी 17 साल से सहारा कर रहे हैं।
और ये LIC मेरा 14 साल हो गया है, और यहाँ पर मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड का सब का काम होता है, ये सब फोटो वोटो निकालते हैं, अभी लेमिनेशन काम करते हैं यहाँ पर। दीपक जी धन्यवाद, आपसे मिलके अच्छा लगा, और हम अपने दर्शकों से और अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, LIC से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की सर्विस आपको चाहिए, किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, हमारे दीपक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर हम लिंक में डाल देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।